हेलो बच्चों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारा एक नया चैप्टर जो है आपका चैप्टर नंबर 13, डायरेक्शंस एंड मैप्स। इस चैप्टर में हम जानेंगे डायरेक्शंस कौन से होते हैं, कैसे कैसे होते हैं और मैप्स क्या होता है आपका। इसके पहले भी जो है आपने डायरेक्शंस के बारे में पढ़ा होगा। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक चीज़ों से, जो है हम स्टार्ट करेंगे अपना डायरेक्शन और मैप। अब यहाँ पे जो है आपको चार दिशाएं दिख रही होगी, चार एरो दिख रहा होगा। ये जो चार एरो के आगे जो वर्ड्स लिखे हुए हैं ये हमको डायरेक्शन बताते हैं। जैसे सबसे पहला वाला है नॉर्थ, उसके सामने साउथ, वेस्ट, ईस्ट, या फिर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। समझ में आ रहा है बच्चों? तो चार डायरेक्शन होते हैं, एक होता है आपका नॉर्थ, दूसरा होता है साउथ, तीसरा होता है ईस्ट, चौथा होता है वेस्ट। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब यहाँ पे आप नॉर्थ में जो है आपको कुछ और दिखेगा, साउथ में आपको कुछ और दिख रहा होगा, वेस्ट में आपको कुछ और दिख रहा है और ईस्ट में आपको कुछ और दिख रहा है। ठीक है बच्चों, और एक्स्ट्रा चार इमेज दी गई है, जैसे एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका डायरेक्शन क्या है, अगर मैं आपसे जो है इनका डायरेक्शन पूछूंगा तो आप बता दोगे कि भाई ये जो आपका लाइट टावर है ये कौन से डायरेक्शन में, तो ये नॉर्थ में है। ट्री कौन से डायरेक्शन में है, वेस्ट में है। ये पॉन्ड, ये जो लेक दिख रहा है ये कौन से डायरेक्शन में है, ईस्ट में। हाउस कौन से डायरेक्शन में है, साउथ में। लेकिन अगर मैं ये पूछूं तो आप कौन सा क्या जवाब दोगे मेरे को? ठीक है, आप इसका डायरेक्शन मेरे को कैसे बताओगे? तो इसके बारे में आगे जानेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे जो है आपको डायरेक्शन बताना है हर चीज़ का। ठीक है, तो अभी जो है डायरेक्शन आप बताओगे कैसे? तो सबसे पहले तो मैंने आपको जो बेसिक था वो समझा दिया कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कैसा था आपका। ठीक है, जो मेन डायरेक्शन थे मैंने उसके बारे में आपको बता दिया। अब हम जो है कुछ उन चीज़ों के बारे में जानेंगे जिनका डायरेक्शन नहीं था। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे पिक्चर में यहाँ पे हमको एक टेबल दिया हुआ है, यहाँ पे हमको बोला गया है कि द पिक्चर्स ऑफ द माउंटेन वेल स्ट्रीट लैंप एंड फोर्ट आर नॉट टूवर्ड्स द मेन डायरेक्शन। मतलब वो ये जो चार चीज़ें जो बीच में थी, ठीक है, ये चार चीज़ें जो बीच में थी, ठीक है, माउंटेन, फोर्ट, वेल और ये आपका लेक, तो ये ये माउंटेन, फोर्ट, वेल और आपका ये स्ट्रीट लाइट, तो ये चारों का कोई मेन डायरेक्शन नहीं है। मतलब जैसे इसका साउथ है, इसका ईस्ट है, इसका नॉर्थ है, इसका वेस्ट है, वैसे इन चारों का कोई डायरेक्शन नहीं है। तो इनको हम कैसे लिखेंगे? तो इनको हम कैसे लिखेंगे, हमेशा याद रखना, ये जिस दो एरो के बीच में आ रहे हैं वो इनका डायरेक्शन होगा। जैसे अगर हम फोर्ट की बात करें तो फोर्ट कौन से दो एरो के बीच में आ रहा है, एक तो ईस्ट के एरो के बीच में आ रहा है, मतलब एक तो ईस्ट के इस तरफ है और एक तो यहाँ पे नॉर्थ के इस तरफ है, मतलब नॉर्थ ईस्ट। समझ में आ रहा है बच्चों? तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। वैसे ही यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देखो कहाँ पे आ रहा है, ये आपका वेस्ट के पहले आ रहा है और नॉर्थ के बाद में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका नॉर्थ वेस्ट। क्या हो जाएगा बच्चों, नॉर्थ वेस्ट। वैसे ही साउथ वाला भी लेंगे हम। अब ये जो है ये किसके बीच में आ रहा है, ये दो एरो के बीच में आ रहा है, एक तो है आपका साउथ का और दूसरा है आपका वेस्ट का, इन्हीं दोनों के बीच में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका साउथ वेस्ट। वैसे ही यहाँ पे जो है ये जो आपको दिख रहा है स्ट्रीट लैम्प, ये किसके बीच में आ रहा है, ये बीच में आ रहा है साउथ और ईस्ट के बीच में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका साउथ ईस्ट। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ऐसे जो है हम दूसरे भी डायरेक्शन निकाल लेते हैं जिनका मेन डायरेक्शन हमको नहीं दिया हुआ होता है। ओके, तो ये टेबल आपको उसी तरीके से फिल करना है और उसको हम बोलते हैं सब डायरेक्शन भी बोलते हैं, जो मैंने भी बताया आपको, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रहा होगा, यहाँ पे आप आराम से देख सकते हो। तो कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज़ अगर इतने पॉइंट ऑफ रीजन में आएगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट। मतलब वो कौन सा डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इस रीजन में आएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इस डायरेक्शन में आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट। कोई भी डायरेक्शन इस तरफ आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट। तो हमेशा याद रखना, हम क्या लिखते हैं, पहले नॉर्थ पहले लिखते हैं ऊपर और नीचे साउथ पहले लिखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने वेस्ट साउथ नहीं लिखा, हमने क्या लिखा, साउथ वेस्ट। यहाँ पे हमने ईस्ट साउथ नहीं लिखा, हमने क्या लिखा, साउथ ईस्ट। तो ये भी आपको जो है हमेशा याद रखना है। ठीक है, जहां पे नॉर्थ आएगा, मतलब यहाँ पे देखो यहाँ पे नॉर्थ आ रहा है, तो यहाँ पे हम नॉर्थ का यूज करेंगे, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट।
यहाँ पे ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया इसके नीचे क्या आ रहा है आपका, साउथ आ रहा है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे साउथ का, साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम क्या करते हैं डायरेक्शन को डिफाइन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा ग्राउंड के पैरेलल होता है, पैरेलल मतलब एकदम आमने सामने होते हैं, पैरेलल मतलब कोई दो चीज जो कभी मिलती ना हो एकदम आमने सामने हो। ठीक है, इस वजह से जो मैप है हमको मैप को हमेशा किसी भी लोकल डायरेक्शन के साथ अलाइन करके रखना चाहिए। मतलब जैसे आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे हो तो आपको जो है एक तरीके से कोई मैप देखना या इंडिया का मैप देखना है और आप मतलब अभी किसी भी एक कौन से भी रीजन में जो है पहुंच गए हो, सिर्फ आपको ये पता है कि हाँ भाई ये डायरेक्शन जो है ये साउथ में है। तो अगर आप ज़मीन पे अपना मैप रखोगे और जो डायरेक्शन साउथ में है मैप का भी जो साउथ डायरेक्शन है वो उस तरफ कर दोगे तो आपको पूरा अच्छे से मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? इस तरीके से आप जो है इजीली जो पूरा मैप है उसको समझ सकते हो, उस रीजन का मैप को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको जो है महाराष्ट्र का मैप दिख रहा होगा, दिख रहा है यहाँ पे महाराष्ट्र का मैप। यहाँ पे अलग अलग आपको जो है डिस्ट्रिक्ट दिख रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट दिख रहे होंगे। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यूज द कंपास रोज मेड अर्लियर टू रीड द मैप, प्लेस द रोज ऑन बी एंड मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द डिस्ट्रिक्ट दैट आर सिचुएटेड अलोंग द मेन डायरेक्शन एंड सब डायरेक्शन, रिपीट दिस एक्टिविटी फॉर अदर डिस्ट्रिक्ट, प्लेस द रोज एट द सेंटर फॉर अवर स्टेट। यहाँ पे दरअसल आपको ये बोला है जैसा हमने ऊपर अभी एक्टिविटी की थी ना कि ये जो एरो दिख रहा है आपको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये वाला, ठीक है, तो ये अगर हम सेंटर में रख के देखेंगे तो कौन सा कहाँ पे जाएगा, मतलब कौन सा डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ में आ रहा है, कौन सा साउथ में आ रहा है, कौन सा ईस्ट में आ रहा है, कौन सा वेस्ट में आ रहा है, और जो सब डायरेक्शन है वो कौन से आ रहे हैं। तो ये आप जो है घर पे अपने ये एक्टिविटी कर सकते हो आराम से। ठीक है, अब अगर हम अपने सराउंडिंग में देखें तो हमारे आजू बाजू में जो जगहें हैं, ठीक है, जो चीज़ें हैं तो वो मतलब जो है एक सम कुछ डिस्टेंस पे होती है ना हमसे, है ना, तो ये जो प्लेसेस हैं ये काफ़ी बड़े होते हैं साइज में, लेकिन मैप जो है वो तो काफ़ी छोटा होता है ना। अगर आपको जो है पूरा बोईसर दिखाना है या पूरा पालघर या पूरा महाराष्ट्र दिखाना है तो महाराष्ट्र अगर आप असलियत में ऐसे देखोगे महाराष्ट्र तो कितना बड़ा है, कितने सारे बिल्डिंग्स हैं, लेकिन मैप तो एक पेज के बराबर होता है तो पूरा महाराष्ट्र एक पेज में कैसे आएगा। तो हम क्या करते हैं इन प्लेस को जो है इस मैप पे छोटा कर देते हैं। ठीक है, देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन दीज प्लेसेस हैज टू बी शोन इन अ वेरी लिमिटेड स्पेस ऑन अ मैप। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, जब भी हम कोई पिक्चर ड्रॉ करते हैं घर का या माउंटेन का या लोगों का, तो हम उनको इस तरीके से ड्रॉ करते हैं कि ताकि हम क्या कर सकें, उनको पेपर में फिट कर सकें, है ना। तो मैप के बनाते साथ भी यही है कि मैप भी हम जब बनाते हैं तो हम इस तरीके से बनाते हैं कि जो पूरा मैप है, जो पूरा महाराष्ट्र है वो अच्छे से आ जाए। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम ये करते हैं कि जो डिस्टेंस होता है दो जगहों के बीच में ग्राउंड पे, उसका हम एक प्रपोर्शन लेते हैं किसमें, जो मैप पे हम डिस्टेंस लेते हैं उसका। जैसे मैप में दो जगह के बीच में जो डिस्टेंस है वो एक रेशियो में होगा असलियत में जो डिस्टेंस है। समझ में आ रहा है? तो थोड़ा आप रीड करोगे इसको समझ में आ जाएगा पूरा। द डिस्टेंस ऑफ द मैप इज प्रपोर्शनेट टू द डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। ठीक है, अब जो है यहाँ पे पिक्चर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आप जो है इमेजिन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो प्रपोर्शनेट कैसे होता है, प्रपोर्शनेट मतलब सेम ही होगा लेकिन हम जो है उसको थोड़ा अलग यूनिट यूज कर लेंगे। जैसे यहाँ पे ये पूरा घर है, इसको इस आदमी को जो है इस पूरे घर का इमेज बनाना है, पिक्चर बनाना है पेपर पे। अब यहाँ पे अगर आप यहाँ पे इसका ये देखोगे, ये दिख रहा है आपको, ये विड्थ 30 मीटर है, बराबर। अब 30 मीटर क्या पेपर तो 30 मीटर का तो है नहीं, तो 30 मीटर का जो पेपर है उस पर ये बनाना पॉसिबल होगा नहीं। अब इनके पास जो पेपर है उस पर 30 मीटर बनाना पॉसिबल होगा नहीं, तो अब इन्होंने क्या किया, मीटर को चेंज करके सेंटीमीटर कर दिया, मतलब जो यूनिट है उसको छोटा कर दिया। अब छोटे यूनिट करने से क्या हो गया, सेम वैल्यू की इन्होंने क्या बना दी, बिल्डिंग बना दी, बस यूनिट क्या कर दिया, चेंज कर दिया। समझ में आ रहा है बच्चों? इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रपोर्शनेट। ये भी 30 है, ये भी 30 है, बट ये मीटर था, ये सेंटीमीटर में बनाया है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे हम जो है मैप पे आपका जो प्लेसेस वगैरह है वो दिखाते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, यहाँ से आपको जो है और समझ में आ जाएगा। द डिस्टेंस बिटवीन रसिका एंड रेशमा हाउस इज 10 किलोमीटर। अब मैप मतलब असलियत में जो घर है कितना दूर है, वो 10 किलोमीटर दूर है, लेकिन जो स्केल यूज कर रहे हैं मैप पे वो यूज कर रहे हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर ऑन द मैप, व्हाट वुड बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू हाउसेस। देखो अभी यहाँ पे ध्यान देना, जैसा मैंने आपको बताया, हम सच में जितना डिस्टेंस होता है उतना नहीं ले लेते हैं क्योंकि उतनी बड़ी मैप होती नहीं है हमारे पास।
अब यहाँ पे किलोमीटर में दिया, तो क्या हम किलोमीटर इतना जो है मैप ले लेंगे, कितना बड़ा हो जाएगा वो? तो हम छोटा ही मैप लेते हैं, लेकिन क्या करते हैं हम किलोमीटर को और छोटा कर देंगे। छोटा कैसे कर देंगे, नंबर सेम रहेगा, वन का वन ही है, लेकिन किलोमीटर को हमने क्या कर दिया, सेंटीमीटर। हमने मैप पे लिख दिया स्केल में कि 1 सेंटीमीटर कितना है, 1 किलोमीटर। मतलब अब से जितना सेंटीमीटर होगा उतना किलोमीटर होगा। जैसे अगर 2 सेंटीमीटर है तो 2 किलोमीटर, 3 सेंटीमीटर है तो 3 किलोमीटर, 4 है तो 4, 5 है तो 5। तो आपका क्वेश्चन क्या है कि अगर मैप में हम स्केल ये ले ले, मतलब 1 किलोमीटर को अगर हम 1 सेंटीमीटर मान ले, तो उनके घर में डिस्टेंस कितना होगा? तो ईजी है, 1 किलोमीटर को हमने 1 सेंटीमीटर लिया है, उनका घर कितना दूर है, 10 किलोमीटर, तो 1 सेंटीमीटर मतलब 1 किलोमीटर, तो 10 सेंटीमीटर मतलब 10 किलोमीटर, मतलब घर कितना दूर है मैप पे, 10 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? तो बहुत इजी है ये, कुछ हार्ड नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो आपका डायरेक्शन है और जो सब डायरेक्शन है, हम उसको जो है एक तरीके से सन से, सन के मदद से भी जो है ये कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। ठीक है, जब सूरज हमारा जो है राइज होता है और जब हमारा सूरज जो है सेट होता है, मतलब सनराइज और सनसेट की मदद से हम पता कर सकते हैं हम कौन से डायरेक्शन में हैं, कौन सा डायरेक्शन कहाँ पे है, कैसे है। तो पहले इंसान ऐसे ही करता था, तो इस वजह से नेचर भी है, नेचर जो है वो भी हमारा एक तरीके से क्या बन सकता है, गाइड बन सकता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको पूरा समझ में आया होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक जो है मैप दिखाया है यहाँ पे, और यहाँ पे सारी चीज़ें बताई है। अब यहाँ पे इंडेक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। इंडेक्स क्या करता है, इंडेक्स बताता है हमको, जैसे अब यहाँ मैप पे देख के आपको कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि कुछ लिखा है ही नहीं यहाँ पे, सिर्फ ड्राइंग बनाई हुई है, लेकिन तो इंडेक्स हमको हेल्प करता है बताने में कि कौन सी चीज़ है। जैसे यहाँ पे जो है लाइट पिंक कलर होटल को दिया गया है, मतलब स्किन कलर। उसके बाद रेड कलर से क्या बताया हुआ है, जो रेड कलर का बॉक्स है वो हमको ऑफिस के बारे में बता रहा है। ग्रे कलर का बॉक्स सेंट्रल मार्केट के बारे में बता रहा है ना। इस तरीके से अलग अलग जो चीज़ें आपको जो है डायग्राम फॉर्म में जो है दी हुई हैं, वो हमको अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं इस मैप पे। इस तरीके से मैप में इंडेक्स का यूज़ किया जाता है चीज़ों को और आसान बनाने के लिए। तो हमने क्या क्या सीख लिया, हमने सीखा कि सब डायरेक्शन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो मैंने बताया आपको किसी भी 2 डायरेक्शन के बीच में जो चीज़ें आएंगी वो उसका डायरेक्शन क्या होगा, वो दोनों ही होगा। लेकिन सबसे पहले हम क्या लेंगे, आगे क्या लगाएंगे, अगर नॉर्थ है तो नॉर्थ, साउथ है तो साउथ, उसके बाद कंपास रोज, उसके बाद द प्रोपोर्शनेट नेचर ऑफ मैप्स, और उसके बाद द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंसेस ऑन अ मैप एंड ऑन द ग्राउंड। ओके, तो आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।